इस किस्म के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स में आते हैं। इसमें जो आपके फैक्ट्स में समझा हूँ ये कि आप बहुत अर्सा पाकिस्तान से बाहर रहे और वहाँ आपकी अपनी सोर्स ऑफ इनकम थी। अब जब आप पाकिस्तान में आए हैं बट ड्यूरिंग दैट पीरियड जो आपने रेमिटेंसेस मंगवाई हैं उसकी उससे एसेट्स जो आपने खरीदे हैं उसकी आपको जस्टिफिकेशन देनी है टैक्स वाले को। तो उसमें जो अगर जो हमने यहाँ पे एक्सपीरियंस है हमारा, हमने इस तरह से डील किया है कि अगर आपकी जो पाकिस्तान में से बाहर आपका जो सोर्स ऑफ इनकम थी, फॉर एग्जांपल वहाँ कहीं जॉब करते थे तो उस जॉब का कोई सर्टिफिकेट होगा, पासपोर्ट पे आपका स्टे पीरियड आउटसाइड पाकिस्तान दैट यू कैन जस्टिफाई इट, एंड नंबर थ्री इज़ दैट कि जो वहाँ से आपकी जो अर्निंग थी बाहर की तो बैंक स्टेटमेंट्स शायद आपके पास होंगी ना अपनी, तो उस बेसिस पे हमारा जो यहाँ पे FBR के साथ जो तरीका है वो ये कि ये भी चीज़ें एक्सेप्टेबल हैं। ठीक है, सो इफ़ यू कैन प्रूव द अमाउंट ऑफ द एसेट फ्रॉम द अमाउंट ऑफ द इनकम विच यू हैव अर्न आउटसाइड पाकिस्तान देन वो एक्सेप्टेबल है FBR के लिए। तो वो अगर आप अपनी बताएंगे कि फॉर एग्जांपल आपने 10 करोड़ रुपए का आपने कोई प्लॉट लिया है और 10 करोड़ रुपए आप बता सकते हैं कि मेरी कम से कम इतनी 20 साल में रहा और हर साल मेरा इतनी इनकम होती थी मेरी, तो एक रीजनेबल जस्टिफिकेशन अगर आप बना सकते हैं उसकी तो वो एक्सेप्टेबल है उसके लिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। नॉट नेसेसरीली कि आपके पास PRC ही हो, PRC तो 111(4) के लिए ज़रूरी है। 111(4) तो कॉन्सेप्ट यह है कि आप एक्सप्लेन करना नहीं चाहते, बट आपकी जो फैक्ट्स हैं उसमें तो यू कैन एक्सप्लेन दी फॉरन सोर्स इनकम, तो आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपके सवाल के देखिए बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो सवाल जवाब से भी जो है वो भी हम उसको एड्रेस कर सकते हैं। और कोई सवाल आप अब मैं आसिफ फाजल साहब को नहीं मतलब सवाल से अगर कोई सवाल हाँ आ जाए हम लोग 5 मिनट बाद जो है वो सवालात को इंशाल्लाह दोबारा से स्टार्ट करेंगे। आसिफ हारून साहब मौजूद हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आसिफ हारून मेरा नाम है, आई एम टैक्स पार्टनर इन एयर फर्गुसन इनको फॉर द लास्ट 10 ईयर्स। बड़ी खुशी हुई कि मुझे आपने इस फोरम पे मुझे बुलाया और जो है आई बिलोंग टू द कम्युनिटी ऑल्सो, तो बड़ी मुझे फख्र की बात है कि मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे स्टेज पे मैं आपने मुझे बुलाया। बेसिकली मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है 20 साल का FBR के साथ और टैक्स के निज़ाम के हवाले से, तो इस वक्त आप लोगों का जो आज हमारा डिस्कशन हमने करना है या जो हमने एक बातचीत का सिलसिला बनाया है हमने, इसमें बेसिकली जो मुझे एक्सप्लेन करना है कि हमने हमारे यहाँ पे जो टैक्स के मेजर इश्यूज इस वक्त जो फेस कर रही है बिज़नेस कम्यूनिटी वो क्या है, वो क्यों प्रॉब्लम्स आए हैं और उनका हल क्या है। बेसिकली एवरीवन नोज दैट के जो प्रॉब्लम है हमारे मुल्क का जो टैक्स का GDP रेशियो जो है, बेसिकली दो प्रॉब्लम है, एक तो जो GDP है हमारी वो एक अंदाज़ा है कि जो 300 अरब डॉलर की हमारी GDP है दैट इट्सेल्फ इज़ नॉट डॉक्यूमेंटेड एंड डॉक्यूमेंटेड एट टू द एक्सटेंट ऑफ 30-40%। दी सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ अवर इकोनॉमी इज़ अनडॉक्यूमेंटेड। अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी का मतलब ये है कि गवर्नमेंट के पास उस इकोनॉमी की साइज़ का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है जो कि 60% हमारी इकोनॉमी है। अब प्रॉब्लम ये आता है कि वो जो 60% इकोनॉमी है वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है बट कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो 100% शुमार होती। तो अब गवर्नमेंट को जो अपने खर्चे करने 100% पॉपुलेशन के हिसाब से करने, कंट्रीब्यूशन जो आ रही है वो 40% इकोनॉमी की डॉक्यूमेंटेशन है। अब 40% जो डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है उसके अंदर भी अगर आप सेक्टोरल एनालिसिस करें आप तो उसमें जो सबसे ज़्यादा जो टैक्स टू GDP कंट्रीब्यूशन जो है वो मैन्युफैक्चरिंग का है, और उसके बाद जो है वो आपका आता है जो है वो सर्विसेज का आता है। जो हमारी जो इकोनॉमी का साइज़ का जो तकरीबन 35% होलसेल और रिटेल सेक्टर दैट इज़ बेसिकली उसमें नॉन डॉक्यूमेंटेशन भी बहुत है और जितनी डॉक्यूमेंटेशन है उसके अंदर से उनकी जो टैक्स की कंट्रीब्यूशन है वो हार्डली 2% है। ये बेसिकली इस वक्त जो है गवर्नमेंट को जो चैलेंज फेस कर रही है गवर्नमेंट
वो ये कर रही है कि हाउ वी कैन बेसिकली डॉक्यूमेंट द अनडॉक्यूमेंटेड साइज ऑफ द इकोनॉमी, एंड सेकेंडली जो डॉक्यूमेंटेशन के इवन अंदर भी हैं मगर वो टैक्स में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, हाउ बेसिकली गवर्नमेंट कैन आइडेंटिफाई दोज पीपल, दैट इज बेसिकली द मेजर इशू। लास्ट बजट जो अभी किया है गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है उसमें बेसिकली जो फोकस है वो इसी तरफ है कि हमने जो अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर है, अच्छा प्रैक्टिकली किस तरह से नॉन डॉक्यूमेंटेशन होती है और टैक्स इवेजन कैसे होती है, मुल्क में या तो चीज़ मैन्युफैक्चर होगी या इंपोर्ट होगी, वहाँ से बेसिकली स्टार्ट होता है और फिर देन दैट इंपोर्टेड गुड या मैन्युफैक्चर गुड जो है वो फिर जाके मुल्क में कंज्यूम होगी या एक्सपोर्ट होगी। अब जो स्टार्ट होती है अवॉइडेंस, अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग में जो नॉन डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट होती है वो क्वांटिटी से भी स्टार्ट होती है और अंडर डिक्लेरेशन से भी आती है। तो बेसिकली वहाँ से, यानी फैक्ट्री में अगर उसने 1,00,000 यूनिट्स बनाए मगर वो कहता है कि मैंने 50,000 बनाए, 50,000 को वो आउट ऑफ बुक्स करके निकाल देता है, तो जो डिफरेंस अराइज होता है स्टार्ट, दैट स्टार्ट फ्रॉम द क्वांटिटी डिफरेंस एज वेल एज द डिफरेंस इन द वैल्यू। वैल्यू में डिफरेंस किस तरह से आता है कि जो ज़्यादातर हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उसमें अगर आपने जो एक प्रोडक्ट है जिसकी प्राइस 1,000 रुपये अल्टीमेट कंज्यूमर प्राइस, मगर जो फैक्ट्री से माल निकलता है वो निकलता है 300 रुपये का, फिर एक रजिस्टर्ड पर्सन के पास जाता है वो 400 का, फिर वहाँ से चेन टूट जाती है। अब 400 रुपये से ले के 1,000 रुपये तक की जो चीज़ है वो 600 रुपये का जो नफ़ा है वो बीच में से गायब हो गया। उसमें जो सब्सटेंशियल पोर्शन जो है वो उन्हीं मैन्युफैक्चरर्स का या इन्वेस्टर्स का है जिन्होंने अपने बीच में डिस्ट्रीब्यूटर्स या होलसेलर रखे हुए हैं बाय एंड लार्ज। उस एरिया को गवर्नमेंट ने इस बार कोशिश की है फोकस करने की, जिसमें जो एक सेक्शन इन्होंने, दो सेक्शंस इन्होंने इंट्रोड्यूस किए हैं, यानी जो डिस्ट्रीब्यूटर्स या होलसेलर जो कि बाय एंड सेल करते हैं उसमें उन्होंने, गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर आपने अनरजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर को कहा है या कमर्शियल इंपोर्टर को कहा है कि अगर आपने ये अनरजिस्टर्ड लोगों को बेचा तो उसका जो मार्जिन है उस मार्जिन का एक खास परसेंटेज मैन्युफैक्चरर या इंपोर्टर की इनकम में ऐड हो जाएगा। यानी इफेक्टिवली जो थर्ड स्केड्यूल की, अगर मैंने 1,000 रुपये वाली एग्जाम्पल से चलता हूँ, अगर उस प्रोडक्ट की प्राइस 1,000 रुपये, तो 1,000 रुपये का जो 0.75% है उसका जो है वो उस मैन्युफैक्चरर या इंपोर्टर की इनकम में ऐड हो जाएगा। तो बेसिकली मकसद ये था इसका कि जो फैक्ट्री से माल निकला और कंज्यूमर तक पहुँचा उसमें जो लोग अनरजिस्टर्ड के सिस्टम में मौजूद हैं उनकी जो इनकम की अवॉइडेंस हो रही है वो गवर्नमेंट ने टैप करनी है। तो एक तो ये एरिया था, मगर यहाँ गवर्नमेंट को प्रॉब्लम ये आ रही थी कि ये अगर वो सेल ही नहीं बताएगा तो पता कैसे चलेगा कि कितनी सेल हो रही है। वहाँ फिर गवर्नमेंट को ये इंट्रोड्यूस करना पड़ा कि ये CNIC वाला सिस्टम। अब CNIC वाले का ताल्लुक ये सारे इसी 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 सारे मसाइल से है कि एक चीज़ या तो इम्पोर्ट होती है या मैन्युफैक्चर होने के बाद फर्स्ट ईयर के बाद सेकंड ईयर और थर्ड ईयर पे जाके वो बीच में कौन लोग हैं, वो किस वैल्यू पे काम कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट के पास उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। तो वहाँ बेसिकली गवर्नमेंट ने ये सोचा कि उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, तो उसके लिए ये इन्होंने, गवर्नमेंट ने ये अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एक रास्ता निकाला कि जो सेल होगी, अगर सेल्स टैक्स गुड्स होगी, यानी मैन्युफैक्चरर या इंपोर्टर तो रजिस्टर्ड है बाय एंड लार्ज सेल्स टैक्स में, मगर जब वो आगे गुड्स बेच रहा है तो वो अगर अनरजिस्टर्ड को बेच रहा है गवर्नमेंट फर्दर टैक्स भी ले रही थी, सेल्स टैक्स के रेवेन्यू का कोई लॉस नहीं हो रहा था। असल लॉस हो रहा था कि जो सेल होने के बाद वो जो ट्रेडर था उसका जो टर्नओवर था वो इनकम टैक्स में डिक्लेयर्ड नहीं है। तो बेसिकली ये हुआ कि फिर गवर्नमेंट ने उस मैन्युफैक्चरर या इंपोर्टर को पाबंद किया कि भाई आप अनरजिस्टर्ड को बेचोगे तो आप उससे CNIC लोगे और CNIC जो है उसका आप अपने सेल्स टैक्स रिटर्न में दिखाओगे, और अगर आपने CNIC नहीं दिखाया
तो उस मैन्युफैक्चरर या इम्पोर्टर की इनपुट टैक्स डिसअलाउ हो जाती, यानी उसको इफेक्टिवली 17% का नुकसान हो जाता। ये बेसिकली गवर्नमेंट का इरादा था ताकि मैन्युफैक्चरर या इम्पोर्टर के थ्रू उन लोगों का पता चलाया जा सके जो कि सेकेंड टीयर और थर्ड टीयर और फोर्थ टीयर के अंदर बड़ा रिटेल होलसेलर, छोटा होलसेलर, फिर बड़ा रिटेलर और छोटा रिटेलर, उन लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए गवर्नमेंट ने सीएनआईसी का सिस्टम निकाला। अब प्रॉब्लम ऑब्वियसली ये आ रही थी, अच्छा उनकी भी कहानी सुननी ज़रूरी है कि होलसेलर या रिटेलर जो है वो क्यों नहीं सीएनआईसी देना चाहता और वो क्यों जो है अपना जो है वो सामने आना नहीं चाहता, उनका प्रॉब्लम क्या है? उनका प्रॉब्लम ये है, और कुछ हद तक जेन्युइन प्रॉब्लम भी है, उनका प्रॉब्लम ये है वो जो होलसेलर और रिटेलर जो जिस मार्जिन पे काम कर रहा है उस मार्जिन में दोनों टैक्सेस अनवेरिएबल हैं। यानी दो टैक्सेस क्या हैं? एक है कि अगर वो विदहोल्डिंग एजेंट को माल बेचता है तो 4.5% टैक्स कटता है, अगर वो विदहोल्डिंग एजेंट को नहीं भी बेचता मगर इवेंचुअली 113 का जो टैक्स 1.5% का है वो भी उसके लिए अनवेरिएबल है। ऐसे कि बाय एंड लार्ज होलसेलर या रिटेलर का जो मार्जिन है वो अगर उसमें ये 1.5% या 4.5% का टैक्स डाला जाए तो उनका टैक्स जो है वो टैक्स टू टर्नओवर रेशियो बहुत हाई चला जाता है। एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरा जो बड़ा प्रॉब्लम है, बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो पाकिस्तान में जो गुड्स इंपोर्ट हो रही हैं या मैन्युफैक्चरर भी जो सेल कर रहा है उसके अंदर अंडर वैल्यूएशन बहुत है। यानी ऑफिशियल किताबों में जो वो माल चल रहा होता है वो बहुत कम वैल्यू का चल रहा होता है, और जो सेल्स हो रही होती हैं वो जाहिर सी बात है वो तो पूरी आ रही होती हैं। तो ये जो एक डिफरेंस इंपोर्ट से ही जो हम अंडर वैल्यूएशन कर रहे होते हैं वो डिफरेंस ट्रांसलेट होता है नीचे लेवल पे जाके, तो उस वजह से जो इंपोर्टर ने जिस ऑफिशियल वैल्यू पे माल लिखा होता है अपनी किताबों में वो उसी वैल्यू से ऑफिशियली वो चला रहा होता है अपनी बुक्स को, और कच्चे का पैसा जो ऊपर का पैसा होता है वो अपनी दूसरी किताब में चला रहा होता है। अगर ये होलसेलर या रिटेलर जो है अगर सीएनआईसी देगा और उसकी सेल्स जो है वो पूरी की पूरी सामने आ जाएगी तो ये जो उसने जो ऊपर परचेज वैल्यू जो उसने अपनी अंडर स्टेट की भी ऑफिशियली वो भी सामने आ जाएगी। तो ये सारा निज़ाम जो है ना, ये निज़ाम अच्छा, अब गवर्नमेंट ने जब इस मेजर को अडॉप्ट करने की कोशिश की तो एक और प्रॉब्लम खड़ा हो गया, स्मगलिंग बढ़ गई। लोगों ने ऑफिशियल चैनल से जो है वो इंपोर्ट या सारा जो मामलात थे उसको वो उन्होंने कम कर दिया, और आप देखें कि मुल्क में इस वक्त कंजम्पशन में कमी नहीं आई है, इंपोर्ट्स कम हो गई हैं और जो धंधा है उसकी डायनेमिक्स चेंज हो गई हैं। अगर SRO 1125 गवर्नमेंट ने विड्रॉ करके टेक्सटाइल पे 17% से सेस लगा दिया है तो अब उससे फ्लाइंग इन्वॉइसेस और फेक इन्वॉइसेस का काम दोबारा बढ़ गया है। इसलिए जो मेरी मालूमात है उसमें यह है कि जो टेक्सटाइल का जो स्टार्टिंग पॉइंट है कॉटन, दैट स्टार्ट फ्रॉम द अनडॉक्यूमेंटेड साइड, उसके बाद से ले के उसकी जो यार्न जिनिंग और सारा जो उसकी वैल्यू एडिशन है उसमें अगर आप उसको आउट ऑफ द टैक्स सिस्टम चलाएं तो उसकी कॉस्ट कोई हार्डली कोई 4% है। 17% जो बेनिफिट है छुपाने का और उस छुपाने की जो कॉस्ट है वो 4% है, तो वो जो 12-13% का आपको जो मार्जिन मिल रहा है उसमें ये सारा सिलसिला जो है वो ये 1125 के विड्रॉल के बाद ये एक और नया प्रॉब्लम अजाब खड़ा हो गया गवर्नमेंट के लिए, जो कि आई डोंट थिंक सो कि ये संभालने वाला है। तो जो ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में जो पाकिस्तान के इस वक्त जो टैक्स के जो हैं टिपिकल मसाइल, उसमें जो हम सुन रहे हैं सीएनआईसी का प्रॉब्लम और ये सेल्स टैक्स के अंदर जो 1125 यानी जो टेक्सटाइल सेक्टर है उनको अच्छा उन वो गवर्नमेंट ने करा क्यों? गवर्नमेंट ने इसलिए किया कि उसमें गवर्नमेंट के पास जो हमारी टेक्सटाइल की जो लोकल सेल्स आ रही है, लोकल सेल्स पे सेल्स टैक्स हमेशा से था। पहले वो कम रेट से स्टार्ट हुआ, फिर 5% पे गया, फिर 9 पे गया, गवर्नमेंट को उसमें हार्डली 12 अरब रुपए का सेल्स टैक्स मिला था। और गवर्नमेंट को और हम सबको नज़र आ रहा है कि जो
गारमेंट्स की या टेक्सटाइल की जो लोकल सेल्स है उसका वॉल्यूम क्या है। आप सड़क पे चलें तो आपको मोबाइल कंपनीज के ऐड के बाद आपको जो सबसे ज़्यादा इश्तिहार नज़र आएंगे वो आपको ये टेक्सटाइल कंपनीज के नज़र आएंगे। एक एक लॉन 10-10 हज़ार रुपये की बिक रही है, तो ये कौन बेच रहा है, कौन खरीद रहा है ये। अच्छा, जिन लोगों के आप इश्तिहार देखते हैं, ये हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ, इन लोगों के पीछे अगर टैक्स वाले जाते हैं तो इनके पीछे कोई बंदा नहीं है, जिसका नाम लिखा हुआ है इश्तिहार में उसके पास जाते हैं, बोला है मैं तो मेरा तो नाम है, पता नहीं कौन खरीदता है। तो भाई किससे कौन खरीदता है, तो कहता है भाई मैं तो टॉय मैन्युफैक्चरर हूँ, मेरे पास तो ये मशीन लगी हुई है, ना मेरा माल है ना ये। तो ये पीछे जो है, जो एक पूरा इन्वेस्टर्स का माफिया बना हुआ है, ये इसमें इसमें जो जो इतना ह्यूज वॉल्यूम ऑफ दी लोकल सेल्स था और गवर्नमेंट को इसमें टैक्स नहीं मिल रहा था, तो फिर गवर्नमेंट ने उसका आसान रास्ता लिया। उसने कहा कि भाई ये लोकल सेल की जो इनपुट साइड है उसी पे सेल्स टैक्स लगा दो, और जब ये रिफंड लेने आएंगे हम इनकी किताबें चेक कर लेंगे। तो ये बेसिकली गवर्नमेंट का जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू था कि हमारे पास जो लोकल सेल्स की जो डेटा है वो प्रॉपर है नहीं, और प्रैक्टिकली टेक्सटाइल वाले करते क्या थे कि एक्सपोर्ट्स जो है वो दिखाते थे ज़्यादा, खर्चे जो है वो लोकल सेल्स के भी एक्सपोर्ट में दिखाते थे, और एक्सपोर्ट के खर्चे लोकल में दिखाते थे और लोकल सेल्स अंडर एस्टिमेट करते थे। तो टेक्सटाइल कंपनीज के जितने भी आप 20 साल के आप अकाउंट निकाल के चेक कर लें वो आपको लॉस ही मिलेगा। तो ये सारे मसाइल गवर्नमेंट के सामने थे, उन मसाइल को देखते हुए गवर्नमेंट ने अपनी पूरी कोशिश की है, मगर सारी बात यह है कि गवर्नमेंट को ये भी देखना चाहिए कि अगर सेक्टोरल एनालिसिस करें कि अगर एक बंदा फॉर एग्जांपल अगर कोई मसाले का काम करना चाहता है, चावल का काम करना चाहता है, आटे का काम करना चाह रहा है, तो गवर्नमेंट एक स्टैंड अलोन बेस पे जो ऑफिशियल वैल्यू पे जो टैक्सेस लागू हैं उसकी अगर गवर्नमेंट कॉस्टिंग करे तो वो देखे, तो वो उसके पास एट द एंड ऑफ द डे बिजनेसमैन के पास बचता क्या है। तो गवर्नमेंट को ये भी साथ साथ एक वर्किंग करनी चाहिए कि अगर हमने ताजरों के साथ या बिजनेस कम्युनिटी के साथ हमने सारी पक्की वैल्यूज़ पे अगर हम पूरा पूरा टैक्स लगाते हैं तो वो तो बेचारा कारोबार ही नहीं कर सकता। तो प्रॉब्लम जो है वो बेसिकली ट्रस्ट की कमी है, दोनों तरफ से कॉन्फिडेंस की कमी है। तो ये चूहे बिल्ली का खेल जो है ये पहले भी चलता रहा है, और मुझे ज़्यादा उम्मीद नज़र नहीं आ रही कि ये आगे जो है ये मामलात किस तरफ जाके हल होंगे। और मेरी तो पर्सनल सजेशन ये थी, एफबीआर के साथ हमारी डिस्कशंस रहती हैं, कि सीएनआईसी की कंडीशन जो है वो गवर्नमेंट को बाद में लानी चाहिए थी। पहले एक आसान स्कीम जो थी वो पहले गवर्नमेंट लॉन्च करती, उस स्कीम को सेल करती, कन्विंस करती ट्रेडर्स को कि आएँ आप इस तरीके से जो है वो हमने आसान रिटर्न और सारी जो भी है इसके टैक्स का जो सिस्टम है आपने कैसे टैक्स पे करना है। उसके बाद जो है वो सीएनआईसी की कंडीशन जो है वो इंप्लीमेंट और इन्फोर्स करती, बट इस वक्त प्रॉब्लम ये हुई कि ये सीएनआईसी की कंडीशन पहले आ गई, स्कीम अब गवर्नमेंट बाद में सेल करना शुरू कर रही है, तो ये सारा जो है वो इस वक्त सिस्टम में जो है वो कन्फ्यूजन है इस वक्त। तीसरा जो बड़ा मसला हमारा है वो प्रॉपर्टी का है। प्रॉपर्टी एवरीवन नोज दैट सिंस इंसेप्शन वी वर कैरिंग टू वैल्यूज, नाउ वी आर कैरिंग थ्री वैल्यूज, वन इज डीसी वैल्यू, सेकंड इज एफबीआर वैल्यू एंड थर्ड इज द एक्चुअल ट्रांजेक्शन वैल्यू। ये एक बहुत बड़ा एरिया है जिसमें इकोनॉमी का साइज़ भी बहुत बड़ा है, और इसमें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जितनी ब्लैक मनी इसके अंदर आ गई है और अनडॉक्यूमेंट रह गई है आउट ऑफ दी वेल्थ स्टेटमेंट्स, उसको कैसे सिस्टम के अंदर लाया जाए, और फिर गोइंग फॉरवर्ड ये प्रॉब्लम मज़ीद जो डिफरेंसेस हैं ये मज़ीद जो है वो इन्हांस ना हो और मज़ीद ये क्रिएट ना हो डिफरेंसेस, ये गवर्नमेंट के सामने ये बहुत बड़ा चैलेंज है। अब
इस चैलेंज का हल क्या है? इस चैलेंज का हल इस वक्त गवर्नमेंट के सामने अपने पॉलिटिकल एम्बिशन है कि हमने कुछ 50 लाख घर बनाने हैं। उस 50 लाख घर के लिए जो पैसा चाहिए और पैसा जिन लोगों ने लगाना है उनके पास वो पैसा डॉक्यूमेंटेड नहीं है, एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरा ये कि जिसने ख़रीदना है, अब गवर्नमेंट ने कहा है कि हम बिल्डिंग डेवलपर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए हम एक अलग स्कीम लेके आ रहे हैं जिसमें स्क्वायर यार्ड स्क्वायर फिट के ऊपर उनसे एक टैक्स ले लिया जाएगा। अब दैट मीन्स कि जो बिल्डर है उसने एक बिल्डिंग खड़ी की और उसने अपना स्क्वायर यार्ड या स्क्वायर फिट के बेस पे अपना टैक्स दे के अपनी किताबें तो उसने जो उसने टैक्स दे रहा है दे दिया। अब वो फिक्स टैक्स देने के बाद अपनी किताबें जिस तरीके से भी लिखेगा गवर्नमेंट का हम आपसे नहीं पूछेंगे, ठीक है। ऑल दो इन प्रिंसिपल दैट सिस्टम इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द टैक्सेशन एंड अगेंस्ट द स्लोगन ऑफ द गवर्नमेंट फॉर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द इकोनॉमी, बट नेवरदलेस सिंस इट इज़ अ ग्राउंड रियलिटी दैट कि गवर्नमेंट ने 50 लाख घर बनाने हैं या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को आगे बूस्ट देना है। मगर जो उसकी दूसरी साइड है, दूसरी साइड ये है कि मैं और आप जब वो फ्लैट या मकान खरीदने जाएंगे तो खरीदने वाले के पास भी कच्चे और पक्के के मामला बहुत हैं। यानी अगर वो 5 करोड़ का फ्लैट लेने जाता है तो बिल्डर तो कहता है कि मैंने तो अपना फिक्स टैक्स दे दिया, अब तुम मुझे कितने का भी दो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर बायर के पास जो है वो पैसे भी पक्के नहीं है, 5 करोड़ रुपये किसी के पास भी बैंक में नहीं है। फिर वो बायर कहता है कि भाई मैं अगर 5 करोड़ रुपये का फ्लैट ऑफिशियली मैं डॉक्यूमेंट करता हूँ तो मैं अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में किस तरह मैनेज करूँगा। अच्छा सेलर जो है बिल्डर वो भी यही कहेगा कि मेरे पास अगर 1 करोड़ का लिखा जाएगा तो इवेंचुअली मैंने भी तो फिक्स टैक्स तो मैंने दे दिया मगर मैंने भी तो अपनी किताबें सीधी करनी है, तो ये कैसे। तो ये जो चीज़ जो है ना, ये रियल एस्टेट का और जो बिल्डर का और जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का जो मेजर इशू है ये भी गवर्नमेंट के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है। गवर्नमेंट कोशिश ये कर रही है इसको हल करने की, FDR वैल्यूज़ को आहिस्ता आहिस्ता इन्हांस कर रही है, DC वैल्यूज़ अभी लास्ट बजट में सिंध ने और पंजाब ने एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट स्टैम्प ड्यूटी के लिए निकाला कि अगर आप DC वैल्यू पर ड्यूटी देते हैं तो ये ड्यूटी दे दें मगर आप इससे ज़्यादा वैल्यू पे ड्यूटी देना चाहते हैं, आप वैल्यू डिक्लेयर करना चाहते हैं तो वो आप करें मगर ड्यूटी का इंसिडेंस आपका इंक्रीज नहीं होगा। तो वो एक उन्होंने एक एवरेज रेट का एक बड़ा अच्छा फार्मूला उन्होंने दिया। तो जो गोइंग फॉरवर्ड जो इसमें जो सोल्यूशन हैं वो यही हैं कि जितना जल्दी गवर्नमेंट इस FDR वैल्यू के सिस्टम को ट्रांजेक्शन वैल्यू के सिस्टम पर लेके जाएगी दैट इज द सोल्यूशन, दैट इज द इवेंचुअल सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। बट ड्यूरिंग द ट्रांजिशन सर्टन कॉम्प्रोमाइजेस हैव टू बी मेड बाय द गवर्नमेंट जिसकी बेसिस पे ये जो ट्रांजिशन है वो स्मूथ हो और देन गोइंग फॉरवर्ड ये प्रॉब्लम जो है वो आगे ना। ये जो मेजर हमारे जो इश्यूज हैं होलसेलर रिटेलर इनका प्रॉब्लम यही है कि उनकी टर्नओवर के पीछे वर्किंग कैपिटल के पीछे वेल्थ स्टेटमेंट सपोर्ट नहीं है, अंडर डिक्लेरेशंस अंडर वैल्यूएशंस रियल इस्टेट, दीज आर बेसिकली द टिपिकल प्रॉब्लम्स ऑफ आवर टैक्स सिस्टम। इस कॉन्टेक्स्ट में अगर अब आपके कोई सवाल हैं तो आई थिंक वी कैन हैव अ डिस्कशन ऑन दोज क्वेश्चंस सो दैट ऑन द बेसिस ऑफ द आंसर ऑफ दोज क्वेश्चंस जो भी मोर क्लैरिटी ऑन के जो मैं कह रहा हूँ उसमें कि उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं। मेरा एक सवाल ये है कि अगर कोई US सिटीजन है और वो पाकिस्तान में जॉब कर रहा है तो उसके लिए रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है? US सिटीजन है और पाकिस्तान में जॉब कर रहा है बिल्कुल उसको टैक्स रिटर्न फाइल करना है। इसकी बेसिक वजह यही है कि वो पाकिस्तान में इनकम अर्न कर रहा है और इंटरनेशनल टैक्सेशन का एक बड़ा बुनियादी उसूल है कि जहाँ सोर्स ऑफ इनकम होगी उस कंट्री का फर्स्ट राइट ऑफ टैक्सेशन होगा, तो चाहे वो अमेरिकन सिटीजन है या न्यू नेशनल है, बट इफ दैट पर्सन इज वर्किंग इन पाकिस्तान यस देर आर सर्टन एग्जम्पशंस विद रिगार्ड टू द पीरियड ऑफ द स्टे एंड द डबल टैक्स ट्रीटीज के अंदर कुछ गुंजाइश मौजूद है। वो एक टिपिकल केस टू केस देखना पड़ता है उसके नंबर ऑफ स्टे पीरियड कितना है, जो सैलरी की जो कॉस्ट है वो बियर पाकिस्तानी कंपनी कर रही है या फॉरेन एम्प्लॉयर कर रहा है,
वो कुछ एक टेक्निकलिटीज हैं, बट आपके सवाल का मोटा आंसर ये है कि यस दिस पर्सन इज रिक्वायर्ड टू रजिस्टर इटसेल्फ एंड फाइल द टैक्स रिटर्न्स। एक सवाल करना चाहता हूँ, एक नॉन रेजिडेंट है, उसने पाकिस्तान में परचेज की है प्रॉपर्टी, क्या उसको वो प्रॉपर्टी की वैल्यू शो करने की ज़रूरत है, और वो फाइलर भी है? नहीं, देखें बेसिकली तो आपको पता है कि जो नॉन रेजिडेंट है उसकी उसको वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, तो एसेट्स की डिक्लेरेशन तो वेल्थ स्टेटमेंट में होती है। रिटर्न ऑफ इनकम आपने उस वक्त फाइल करनी है जब आपकी उस नॉन रेजिडेंट की पाकिस्तान में कोई इनकम है। अब टिपिकली हमारे साथ क्या होता है, जो आपका भी शायद सवाल उसी कॉन्टेक्स्ट में है, कि बहुत सारे हमारे मिडल ईस्ट में जो हैं वो लड़के काम कर रहे होते हैं, उनके पेरेंट्स यहाँ होते हैं, वो वहाँ से पैसा भेजते हैं और यहाँ पर वो प्रॉपर्टी खरीद रहे होते हैं। उसमें ये अंडर द टैक्स लॉ द पर्सन हु इज़ वर्किंग इन UAE is not required to be registered in Pakistan and pay and file the tax return. But practically क्या होगा, practically ये होगा कि उसने या तो उसने ओनली से पैसे भिजवा दिए, तो कहानी कच्चे की कच्चे में निकल गई, वो एक अलग बात है। बट अब जिस किस्म के मामलात हैं उसमें अब जो है वो ओनली वाले मामला कम हो गए, तो जो आप बैंकिंग चैनल के थ्रू पैसे आएंगे, तो जो बैंकिंग चैनल से जैसे ही पाकिस्तान में पैसे उतरे फॉरन करेंसी अकाउंट से रुपी में कन्वर्ट हुए, रुपी से कन्वर्ट हुए, और अगर उसने प्रॉपर्टी की पेमेंट के लिए चेक काटना है तो 236P कट जाएगा। 236P लगने के बाद वो एक गवर्नमेंट के पास एक इन्फॉर्मेशन आएगी कि किसी एक बंदे का 236P कट है, नंबर वन। नंबर टू, जब उसने या तो जो बच्चा बाहर बैठा हुआ है वह तो अपने नाम पे प्रॉपर्टी लेगा या अपने पेरेंट्स के नाम पे प्रॉपर्टी लेगा, तो फिर जब प्रॉपर्टी परचेज होगी उस वक्त एक 236K का टैक्स कटेगा। तो इन दोनों टैक्सेस के हवाले से फिर क्या होगा कि अगर ये वो नॉन रेजिडेंट पर्सन, ऑल्दो ही दैट पर्सन वाज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल द टैक्स रिटर्न, बट ये दो टैक्सेस उसके ऊपर कटेंगे। जब कटेंगे तो FBR का एक नोटिस आ जाएगा उस बंदे के पास कि भाई आपने ये जो आपके नाम पे टैक्स होल्डिंग्स आ रही हैं, आप कौन हैं, कहाँ हैं, आप क्यों नहीं रिटर्न फाइल कर रहे। वहाँ आपको ऑब्वियसली उस साल में जो सवाल किया था उसका जवाब उनको उस तरीके से देना पड़ेगा कि मैं तो दुबई में काम करता हूँ, मेरे पास तो फॉरेन सोर्स इनकम है एंड मैंने ये प्रॉपर्टी परचेज की है और मुझे रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं थी, और ये टैक्सेस तो आपके फाइलर नॉन फाइलर के चक्कर में मेरा विदहोल्डिंग हो गई, उसूलन तो मेरे पे ये विदहोल्डिंग भी अप्लीकेबल नहीं होनी चाहिए। मगर ये बात बहुत आसान है, उसका जो नोटिस का जवाब देना, उस टैक्स ऑफिसर से निपटना, ये एक बड़ा मुश्किल काम होता है। तो उसका फिर आसान हल ये होता है कि जो UAE में या सऊदी अरब में जो लड़के काम कर रहे होते हैं वो पाकिस्तान में NTN ले लेते हैं, एक नील का रिटर्न फाइल कर देते हैं, फाइलर बन जाते हैं, वेल्थ स्टेटमेंट फाइल नहीं करते। मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि मेरे बेटे ने परचेज किया था प्रॉपर्टी, ठीक है, वो नॉन रेसिडेंट है, और अगर वो उस प्रॉपर्टी को सेल करता है तो उसकी वैल्यू कैसे शो करेगा और क्या क्या होगा? देखिए, मैंने आपको बताया ना कि प्रॉपर्टी उसने परचेज करी, अब उसे सेल कर दी। अब हमारा आपको पता है कि लॉ जो है वो उसने नंबर ऑफ इयर्स होल्डिंग पीरियड चेंज कर दिया, जैसे कोई 4 साल और 8 साल और वो सारा कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी का एक है और प्रॉपर ओपन प्लॉट का जो है वो उन्होंने पीरियड डिफाइन कर दिया। तो अगर वो उस पीरियड के अंदर आता है, टैक्सेबल पीरियड के अंदर आता है, तो वो उसको कैपिटल गेन देना है, इसलिए कि भले वो सऊदी अरब या UAE में काम करता है मगर चूंकि पाकिस्तान में उसने प्रॉपर्टी की खरीद और फरोख करी है तो उसने एक इनकम कमाई है, उस इनकम के ऊपर उसको टैक्स देना है। तो अब सवाल आपका ये था कि किस वैल्यू पर टैक्स देना है, तो वो वैल्यू का आंसर पे दोबारा मेरे से आप मैं आपसे सवाल करूँगा कि ओरिजिनली उसने जब परचेज किया था तो जो अपनी सेल परचेज की जो एग्रीमेंट में उसने वैल्यू FBR वैल्यू लिखवाई थी, ट्रांजेक्शन वैल्यू लिखवाई थी या DC वैल्यू लिखवाई थी, वहाँ से बेसिकली उसका, अब आप जो सेल भी करने जा रहे हैं तो जो आप के सामने जो बायर खड़ा हुआ है वो क्या कह रहा है कि मैंने FBR वैल्यू दिखानी है या फुल वैल्यू दिखानी है। तो एक्चुअली तो ये सारे मामला डिपेंड करते हैं कमर्शियल एंगल पे, कि आपने जब ख़रीदा था जब आपने फुल वैल्यू दिखाई थी या FBR वैल्यू दिखाई थी, हम आप जब बेचने जा रहे हैं तो एग्रीमेंट के अंदर आप फुल वैल्यू दिखाना चाह रहे हैं या FBR वैल्यू दिखाना चाह रहे हैं, इसलिए कि जो गेन कंप्यूट होगा वो बुनियादी तौर पर FBR वैल्यू का FBR वैल्यू, यानी आपकी जो आपने ख़रीदा था उसको FBR वैल्यू आपकी खरीद की क्या थी,
और जब आप बेचने जा रहे हैं उसकी एफपीआर वैल्यू सेल की कितनी है। तो बुनियादी तौर पर तो कैपिटल गेन इन दो वैल्यू का डिफरेंस ही निकलता है, मगर अगर आपने ओरिजिनली पूरी की पूरी वैल्यू लिख ली है या बेचने के टाइम पे पूरी वैल्यू लिखना चाह रहे हैं। लेकिन बार बार होता ये है कि जब आप बेचने जाते हैं तो होल्डिंग पीरियड आपका कभी ज़्यादा होता है, तो आप फुल कैपिटल गेन जो है वो फुल वैल्यू पे दिखाएंगे मगर वो टैक्स नहीं लगेगा। तो बाद में चांस फुल वैल्यू दिखाने का भी होता है कि आपके पूरे पैसे वाइट हो रहे होते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट्स ऑफ योर केस, बट मोटी मोटी बात यह है कि जो एफ बी आर वैल्यू जो आपकी खरीदने के टाइम पे थी और एफ बी आर वैल्यू जो बेचने के टाइम पे, इन दोनों का डिफरेंस इज योर कैपिटल गेन। और अगर वो 4 साल से कम है या 8 साल से कम है अगर कंस्ट्रक्टेड है तो वो उस पे टैक्स लगेगा, उसके बाद वाले पीरियड वाली होल्डिंग पीरियड पे टैक्स नहीं लगेगा। अब नेक्स्ट ईयर का जो रिटर्न होता है उसको भरना नहीं है कुछ भी या क्या नील भर रहे? देखें अब आपने जब जब वो बंदे ने रजिस्ट्रेशन जब उसने कैपिटल गेन कमा लिया तो दैट पर्सन दैट मीन्स कि उसने एनटीएन ले लिया है। तो एनटीएन लेने वाले हर बंदे को बाय डिफॉल्ट रिटर्न जमा कराना है, तो वो रिटर्न जमा कराएगा, वेल स्टेटमेंट जमा नहीं कराएगा, इसलिए कि वो बंदा नॉन रेजिडेंट। सर बहुत शुक्रिया सर। आखिरी एक दो क्वेश्चन ले लें ताकि एक इवेंट का टाइम खत्म हो रहा है और आसिफ साहब ने भी अपना स्पेशल टाइम हमारे लिए निकाला है, तो काइंडली एक दो क्वेश्चन ले लें ताकि आगे हम अपने प्रोग्राम को बढ़ा सकें। थैंक यू सो मच आसिफ भाई फॉर द ओवरव्यू ऑफ पाकिस्तान टैक्स सिस्टम। मेरे दो सवाल हैं, पहला ये कि ये जो ड्यूरिंग द फाइलिंग अगर आप ज़कात और डोनेशन वगैरह फाइल कर सबमिट करवाते हैं उस पर आप कोई रिफंड वगैरह क्लेम कर सकते हैं? सेकेंडली जो आप प्रीशियस एसेट डिक्लेयर करते हैं इन योर वेल्थ स्टेटमेंट, उसमें ड्यूरिंग द ईयर अपार्ट फ्रॉम PMEX आप ट्रेड करते हैं तो उस पर कोई आप एडवांटेज ले सकते हैं या नहीं ले सकते? थैंक यू सो मच। देखिए पहला सवाल तो आपने कहा कि ज़कात और डोनेशन ये दो अलग अलग बेसिकली है। ज़कात जो ज़कात एंड मुशर ऑर्डिनेंस के थ्रू ज़कात उसमें जमा होती है यानी आपके डिविडेंड पे ज़कात कट गई तो वो अमाउंट तो आपकी इनकम से डायरेक्ट डिडक्ट हो जाता है। दूसरा होता है डोनेशन। डोनेशन होते हैं कि जो अप्रूव चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनमें भी दो कैटेगरी हैं, एक है कि वो जिनके नाम क्लॉज 61 में लिखे हुए, एक वो जिनमें टिपिकली जिनको हम कहते हैं 236 की अप्रूवल है कि नहीं है। तो जो जिनके नाम क्लॉज 61 में लिखे हुए वो अगेन वो आपकी इनकम से माइनस हो जाते हैं, मगर उसकी लिमिट है इंडिविजुअल में कि 30% ऑफ द इनकम से ज़्यादा, यानी अगर आपकी 10 लाख रुपए की सालाना इनकम है और 3 लाख रुपए से ज़्यादा आप डोनेशन का बेनिफिट नहीं ले सकते। आप भले 10 लाख रुपए डोनेट कर दें मगर टैक्स बेनिफिट आपका 3 लाख के ऊपर इफेक्टिव टैक्स रेट पर जाके रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। लाइकवाइज अगर आपने 236 वाली एंटिटीज़ को अप्रूव वो दी है अपने डोनेशन दी है तो वो पहले टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूट करता है मगर टैक्स लाइबिलिटी में रिडक्शन देता है। तो एक मैथमेटिकली दोनों का रिजल्ट सेम आता है, थोड़ा सा फर्क ये आता है कि जिसमें इनकम डायरेक्ट रिड्यूस हो जाती है उसमें आपका स्लैब रेट की वजह से इफेक्टिव टैक्स रेट भी कम हो जाता है। थैंक यू सर। सर मेरा एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि लास्ट अभी जो एमनेस्टी स्कीम फाइल हुई थी अगर ये हमने प्रॉपर फाइल कर ली है लेकिन इसके बाद भी सर अक्सर ये होता है कि नोटिस आ जाते हैं कि आपने 2017 रिटर्न फाइल नहीं किया, 18 रिटर्न फाइल नहीं किया, 16 का फाइल नहीं किया, तो सर हुकूमत क्या हमें इस चीज़ की यकीन दहानी कराती है कि आप एमनेस्टी के बाद आपसे कोई ऑडिट? देखें नहीं हो सकती इसमें, अगर एमनेस्टी की बेस पे आपको कोई कहता है टैक्स ऑफिसर कि भाई आपने 19 में एमनेस्टी फाइल की है, आप 15-16, 15-14 में कहाँ थे आप, आपकी आपके रिटर्न तो नहीं है मेरे पास, ये सवाल बुनियादी तौर पर इलीगल है टैक्स ऑफिसर का। ये सवाल सिर्फ टैक्स ऑफिसर उस वक्त कर सकता है जब एमनेस्टी के एसेट्स के अलावा उसको आपके कोई चीज़ नहीं पता चली है, तो फिर तो उसका सवाल जायज़ बनता है, फिर तो वो आपसे सवाल कर सकता सर, है। सर इन केस अगर हमें नोटिस जाए हमें रिटर्न फाइल करने की, आप 16, 17, 18 का रिटर्न भी फाइल करें नहीं तो हम वो नहीं करना है, नहीं करें, नहीं करना है, वो दैट एमनेस्टी कवर्स ऑल दी प्रीवियस नॉन कंप्लायंसेस। खुशी की बात है कि ये भी हमारी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। दूसरा मैं रिक्वेस्ट करूंगा आसिफ हारून साहब से कि आज के प्रोग्राम के जो मेन दूल्हा हैं जिन्होंने वॉलेट कमेटी के अहदेदारान और एमसी मेंबर्स, बाटवा टाउन वेलफेयर कमेटी के अहदेदारान, ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन की तरफ से आए हुए मेहमान, मेमन न्यूज़ के रूए रवा जो है फरीद बिलवानी साहब कहीं चुपके बैठे हैं उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि वो यहाँ तशरीफ़ लाए और हमारे प्रोग्राम को जो है वो रौनक बख्शी।
मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि यह थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ करना चाहूंगा कि हम जब जनवरी 2019 में आए जीत कर तो हमारा एक टास्क था कि यूथ को एम्पावर किया जाए। यूथ वैसे तो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के अंदर बहुत सारा काम करती रहती थी, लेकिन हमारी कोशिश थी कि उनको एजुकेशनल साइड पे भी मोटिवेट किया जाए, जिसकी आज एक पहली एग्जांपल सेट हो चुकी है और इंशाल्लाह आगे भी दूसरी चीज़ें होती रहेंगी। और हमारी पूरी एमसी बाटवा मेमन जमात की मैनेजिंग कमेटी इनको इंशाल्लाह बकअप करेगी। मैं रिक्वेस्ट करूँगा तमाम यूथ के लड़कों को कि वो स्टेज पर आएँ और आपसे दरख्वास्त करूँगा कि इनकी ज़रूर हौसला अफजाई कीजिएगा। यूथ के तमाम मेम्बरान प्लीज़, आपको बताता चलूं कि ये प्रोग्राम सिर्फ 3 दिन के नोटिस पे किया गया है। ये नोटिस पे सारा प्रोग्राम अरेंज किया और उम्मीद करता हूं कि आगे भी और सारे प्रोग्राम्स करेंगे। और मैं करना चाहते हैं आगे के कौन कौन से प्रोग्राम लाइनअप है वो ज़रा उसे बताएं। नहीं होता तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। एंड सेकेंडली ये कि जैसे इन्होंने बताया कि हमारे जो फ्यूचर प्लानिंग्स हैं, उस फ्यूचर प्लानिंग्स में हमारे पास और भी बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिसको हमने अभी इन अलाइन करके रखा हुआ है। मीन वाली ये कि मैं उसको एक एक करके बताते चलता हूँ कि सबसे पहले तो ये कि जॉब पोर्टल जो बाटवा मेमन जमात ही की तरफ से लॉन्च होने जा रहा है अनकरीब कमिंग सून, बहुत ही जल्दी होगा। उसके लिए उस जॉब पोर्टल के ऊपर आपको ये है कि हमारे पास जिस तरह से आपने rozi.pk या दूसरी जो है jobi.pk इस तरह की जो वेबसाइट चलती हैं, उस जॉब पोर्टल के ऊपर भी इसी तरह के आपको जो है वो सारा एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जहां से आप इम्प्लॉई और इम्प्लॉयर्स दोनों जो है वो एक प्लेटफॉर्म पे आके आपस में इन टच हो सकते हैं और वहां से इंशाल्लाह आपको जॉब अवेलेबल हो जाएंगी इंशाल्लाह। दूसरा हमारे जो फ्यूचर प्लानिंग्स का जो पार्ट है उसमें एक चीज़ ये भी है, उसमें जो हमारा जो दूसरे जो फ्यूचर प्लानिंग्स हैं उसके अंदर एक चीज़ ये भी हैं कुछ कि हमने इसमें आगे इसी तरह के सेमिनार्स भी करने हैं जिसके अंदर जो है वो हम अवेयरनेस सेमिनार्स भी होंगे और हमारे कुछ प्रोग्राम्स हमें लॉन्च भी करने हैं। मीनवाइल जैसे कि मीन्स ये समझ लें कि हम फ्रीलांसिंग की तरफ आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह, डिजिटल मार्केटिंग की तरफ हमें आगे जाना है। इसके अलावा दूसरे हमें और प्रोग्राम्स इस तरीके के लेके चलने हैं, कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज को आगे लॉन्च करना है। तो हमें ये सारी चीज़ें जो है वो हम करने जा रहे हैं इंशाल्लाह और हमारी सारी फ्यूचर प्लानिंग का ये पार्ट है। मैं आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूँगा कि हमसे टच में रहिएगा,